हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम 13 जून की थर्ड शिफ्ट का जो भी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे, जीके के क्वेश्चंस का, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलाम गिरी? इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। प्रोविडा स्टाइल इज रिलेटेड टू डैश, तो ये विजयनगर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। हु गेव द स्लोगन वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन? तो ये दिया है बाघा जतिन ने, ये नारा दिया था। और इनका जो असली नाम है वो है जतींद्र नाथ मुखर्जी। अब इनका नाम बाघा जतिन क्यों पड़ा था? क्योंकि इन्होंने एक बाघ से लड़ाई की थी, एक रॉयल बंगाल टाइगर था, उससे इन्होंने 3 घंटे लड़ाई की थी और फिर उसको मार दिया था, मतलब खंजर से मारा था। तो तब से उनका नाम क्या पड़ गया था? बाघ जतिन या बाघा जतिन। अब पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लॉज वर रिपील्ड इन फार्म्स एक्ट? ये जो किसान के 3 बिल आए थे जो पास हो गए थे, एक्ट बन गए थे, तो फिर उनको रिपील कर दिया गया था क्योंकि काफी उसका विद्रोह हुआ था। तो कितने लॉज थे? 3 कानून थे ना वो, तो 3 कानून को रिपील किया गया था, निरस्त किया गया था। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज अ सॉल्ट मार्श इन द डैश, तो ये कहाँ पे है? थार डेजर्ट में है, ठीक है। बाकी जो रन ऑफ कच्छ है ये गुजरात में है, ठीक है। Which planet moves in different direction? तो answer वहाँ option में Venus था, तो उसका answer हो जाएगा Venus। बाकी Venus के साथ साथ Uranus भी दूसरे direction में, मतलब बाकी planet से opposite direction में move करता है, ठीक है। तो ये जो Venus और Uranus हैं ये clockwise direction में move करते हैं। Clockwise मतलब east to west, ठीक है। जैसे कि ये है तो ऐसे move करते हैं ये, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो ऑल अदर प्लैनेट्स हैं, इन दोनों के अलावा जो बाकी प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करते हैं वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ कोल? तो कोल के जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो मतलब 3 ऑप्शन जो रहे होंगे वो कोल के प्रोड्यूसर रहे होंगे, एक नहीं रहा होगा वही आंसर होगा। बाकी देखो जो कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है छत्तीसगढ़, ठीक। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखो। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट होता है कि आरबीआई लोन देती है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जिस रेट पे देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। फिर होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जब लोन लेती है बैंकों वगैरह से, तो जिस रेट पे आरबीआई लोन लेती है बैंकों से उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट? ये है अनएम्प्लॉयड पर्संस अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ठीक है। मतलब कितने लोग अनएम्प्लॉयड पर्सन, मतलब कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक, और टोटल लोग हैं कितने, मतलब बेरोजगार और जिनके पास रोजगार है, उन दोनों को ऐड करके टोटल लेबर फोर्स कितनी है इनटू 100, ठीक है। ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब साइंस के क्वेश्चन देखो। विच फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर? तो बाइल जूस है, लिवर जो है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखो। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 5.someone? ये चेतन भगत ने लिखी थी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म बिलोंग्स टू राजस्थान? तो कई 4 ऑप्शन थे, चारों में से घूमर आंसर था, ठीक है। मिलेना साल्विनी वॉज अवार्डेड विद विच पद्मा अवार्ड इन 2019? तो उनको पद्मश्री मिला था, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, मिलेना साल्विनी कौन से डांस से रिलेटेड है? तो ये कथकली डांस से रिलेटेड है, ठीक है। What is the capital of Australia? तो आंसर हो जाएगा कैनबेरा। उम्मीद प्रोग्राम फॉर वुमेन वॉज स्टार्टेड इन विच यूनियन टेरिटरी?
उम्मीद प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में. व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ चाइना? चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मैंडरिन. अब आप लोग सोच रहे हो कि चाइना का तो चाइनीज होना चाहिए ना, तो हाँ ये जो मैंडरिन है ये एक तरह का चाइनीज ही है. ठीक है, जो चाइनीज लैंग्वेज है वो मतलब कई तरह की होती है, तो जो मैंडरिन है ये मॉडर्न चाइनीज लैंग्वेज है. मॉडर्न मतलब स्टैंडर्ड चाइनीज लैंग्वेज है ये मैंडरिन, तो ये इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है. उस्ताद अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? तो ये सरोद से रिलेटेड है. ठीक है. 2023 सुपर बॉल टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन डैश? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए. ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं पूछता है कि ग्लेंडेल एरिजोना में हुआ था, मेन यही था आंसर, यूएसए. ठीक है. इन विच सिटी वर्ल्ड गेम्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड? बिर्मिंगम यूएसए में हुआ था. फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डैश? तो उर्जित पटेल जो थे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, अब वो वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ के? AIIB के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो इतने ही क्वेश्चन मिले हैं. पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए एसएससी मसाला, चैनल मिल जाएगा. बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.